किसी जमाने में अफगानिस्तान पोस्ट के लिए मशहूर हो रहा था, लेकिन अब न जाने कश्मीर में लोगों को क्या हो गया है कि वो पोस्ट की काश्त कर रहे हैं। और यहाँ सभी लोग यही कहते हैं कि पोस्ट की काश्त करने वाले उस जमीन मालकान के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। चाडूरा में भी पोस्ट की काश्त की जा रही है और आज चाडूरा में एसडीएम ने पोस्ट के काश्त के खिलाफ मुहिम जारी रखते हुए कई कनाल अराजी पर काश्त की गई पोस्ट की फसल को तबाह किया। एसडीएम के साथ यहाँ जिला इंतजामिया, पुलिस और दूसरे अफसरान भी थे और उन्होंने कहा कि पोस्ट की काश्त करने की इजाजत नहीं देगी और जो भी पोस्ट की काश्त करेगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। और मुकामी लोगों ने भी यहाँ इंतजामिया का शुक्रिया अदा करते हुए बताया कि कदम अच्छा है और इससे नौजवानों को नशे की बिदत से दूर रखा जा सकता है और इस पे पुलिस काम करेगी, इंतजामिया काम करेगी, आवाम भरपूर साथ देगी।
पॉपी कल्टीवेशन के खिलाफ चूँकि ऑलरेडी रिपोर्ट्स पुलिस के पास थे, उन्होंने हमारे साथ शेयर किया, हमारे जो पटवारी साहबान हैं उन्होंने भी शेयर किया, नीचे इन्वेंट्री बनाई कि किस किस गांव में किस फार्मर ने बदकिस्मती से इस तरह की गलत काश्त की है जो उनको नहीं करना चाहिए था, जो जायज़ नहीं है, जायज़ नहीं बात इलीगल है। तो चूँकि पुलिस के इनपुट साथ थे, हम लोगों को साथ सुबह निकलना पड़ा आज, लेकिन अब की बार हमने ये किया कि कोई बुश कटर और उसके अलावा जो मैन पावर हमारे साथ है उसके अलावा हमने मशीन लगाई, आपने देखा हमने ट्रैक्टर का इस्तेमाल किया ताकि किसी भी सूरत में ये काबिल काश्त होने के साथ साथ बाद में काबिल इस्तेमाल भी ना रहे ये चीज़। तो कोई अगर हमारे इस वक्त कोई 500-600 कनाल इस इलाके में इस पॉपी के तहत आए होंगे, हमने आज स्टार्ट किया लगभग 30-35 के करीब जो कनाल हैं आज हमने पॉपी काश्त से जो हैं आज़ाद किए, और वो जो डिस्ट्रॉय किया गया आपने देखा कि कैसे डिस्ट्रॉय कर रहे हैं आप, कोई भी मौका नहीं छोड़ रहे हैं हम कि ये इस्तेमाल में लाया जा सके, क्योंकि ये हमारा कानूनी फ़र्ज़ है और इखलाकी फ़र्ज़ है कि इस तरह से वबा को, इस तरह की वबा से हम अपने समाज को नजात दिलाएं। इसके लिए हम तन मन से काम करेंगे और इस एक आज की ड्राइव से मैसेज देना चाहते हैं, जितनी भी असामियाँ हैं जो हमारे पास रिकॉर्डेड हैं, पुलिस के पास अपना रिकॉर्ड है, हमारे पास भी अपना रिकॉर्ड है, उन असामियों को मैं अब भी गुजारिश करता हूं कि हमें आने की ज़रूरत ना पड़े, आप आज खुद बर्बाद कर दीजिए पॉपी काश्त, जहां जहां उन्होंने काश्त की है वहां वो कल से अपना बर्बाद करना चाहिए, उनको वो तबाह करनी चाहिए, और हमें रिपोर्ट भेजे, हमें व्हाट्सएप पर फोटोग्राफ्स भेजे, हमें वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है, ना हम जाएँगे हर जगह। ये हमारे नंबरदार चौकीदार साहबान जो हैं उनको हमने ड्यूटी दी है कि अपने अपने इलाकों में जहाँ छोटे से छोटा पैच भी हैं जहाँ पॉपी की काश्त की गई है उसको वो आइडेंटिफाई करें और उसके मालिक को कहें कि ये अगले 2-3 दिनों में ख़त्म करें। अगर हम 2-4 दिनों के बाद इसमें थोड़ी देरी करते हैं उसके बाद काटते हैं तब कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए हमने आज पुलिस ने हमने ये मुनासिब समझा कि आज का डेट मुकर्रर किया और आज ही हमने अचानक से स्टार्ट की ड्राइव, ये अगले कुछ रोज़ तक जारी रहेगी जब तक हम ये इंश्योर नहीं करेंगे कि हमारे सब डिवीज़न में इस तरह की काश्त की कोई गुंजाइश ना रहे। सब्जियों की काश्त है बुगाम में, हमारा वेजिटेबल ये जो है क्लस्टर है, हम एग्रीकल्चर वालों से गुजारिश करेंगे, उनको लिखेंगे भी कि आप आइए इन जो हमारे फार्मर्स हैं उनको सलाह दे दीजिए, जो बाकी काश्त करने की चीज़ें हैं सब्जियां करने की हैं वो कर लें, शौक से कर लें, हम उसमें ताउन देंगे, लेकिन इस तरह की काश्त की हम किसी भी तौर इजाज़त नहीं देंगे, और अगर कहीं होगी भी उसके खिलाफ़ FIR करेंगे। FIR के साथ साथ जो पुलिस की तरफ से और कुछ चीज़ें होनी हैं मैं SHO साहब से गुजारिश करूंगा कि वो अपनी तरफ से भी मैसेज दे दी कि क्या क्या हो सकता है उनके खिलाफ, क्योंकि यहाँ पहले से हमें इतला मिल रही थी कि यहाँ बहुत सारे एरिया 10-12 गांव हैं जहाँ पे इलीगली कल्टीवेट पॉपी किया जा रहा है, तो इसमें हमने आइडेंटिफाई किए, तो फिर SDM साहब से रजू करके SDM साहब का पॉजिटिव हमेशा इलाके में रहा है, तो उनने फिलफोर कोई देर किए बगैर ही मशीनरी दस्तियाब की, उन एक्साइज वालों से हमने रबता किया, वो कट ऑफ किए। इसमें हम एक तो FIRs काट रहे हैं उनके खिलाफ जिन्हें कल्टीवेट किया है, उनको बुक करके इंशाल्लाह PSA भी उनके खिलाफ़ करेंगे, उसके अलावा जो और कुछ बच्चे हैं उनके खिलाफ 107-151 की कार्रवाई करके हम गुजारिश करेंगे SDM तहसीलदार साहब से कि उनको सब जेल मुंतकिल किया जाए, मिनिमम 1 मंथ 1.5 मंथ जब तक डेटरनेस रहे इलाके में, थोड़े डेटरनेस रहे।